नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। आपको बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी उत्साहित हैं लोग मतदान करने के लिए, और सुबह से ही पोलिंग बूथों पर काफ़ी लंबी कतारें देखने के लिए मिली हैं। अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा अचनेरा में, और जिस बूथ पर हम आए हुए हैं ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो मुस्लिम समाज के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सारी बातें इनसे करने वाले हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? अकीलुर रहमान। क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में और आपके बूथ पर किसका पलड़ा भारी है? हमारे बूथ पे और फतेहपुर सीकरी और 58 सीटों पे जो आज मतदान हो रहा है उसमें समाजवादी और आरएलडी का जो पल्ला भारी है, और ये सीट भी हम जो आरएलडी इस सीट को भी जीतेगी यहाँ से, फतेहपुर सीकरी से भी। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ये अफवाह ही कहेंगे हम तो, कि ये बोलते हैं कि जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट को जो पार्टी या जो प्रत्याशी हराता है मुस्लिम समाज उसे ही सपोर्ट करती है, क्या ऐसा है? यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है कुछ? ऐसी बात नहीं है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी को सभी समाज के लोग साथ मिलकर और भारी तादाद में मतदान कर रहे हैं, और सुबह से लेकर मतदान केंद्रों पर लाइन लगी हुई है, लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। इस बार मतदाता अपने अपने घरों से निकलकर और लाइन में लग रहा है, और मतदान के मतलब ये लग रहा है कि मेरा नंबर कब आया और मैं मतदान करूं। आरएलडी प्रत्याशी बहुत मजबूत है, यहाँ सभी समाज का उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। आरएलडी के जो आप प्रत्याशी के बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर वोटिंग की जा रही है, तो उन्हें कौन टक्कर दे रहा है, उनके विपक्ष में कौन सी पार्टी का उम्मीदवार है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, आरएलडी के प्रत्याशी की टक्कर में कोई प्रत्याशी नहीं है। आरएलडी बहुत काफ़ी मतों से यहाँ पर अपनी जीत दर्ज कराएगी, हमारी टक्कर में कोई नहीं है। वोट आपने कर दिया? मैंने खैर अभी वोट नहीं किया है। अच्छा, अभी वोट जो निकल रहे हैं थोड़ा सा, नहीं अभी आप कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को निकालने की, क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में? फतेहपुर सीकरी में हमारे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी भाई बिरजेत चाहर इस टाइम बहुत आगे वोटों से निकल चुके हैं, जो इस 286, 287, 288 और 289 बूथ नंबर जो हमारा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ कोई टक्कर पे नहीं है। यहाँ पे आरएलडी और आरएलडी ऐसी पार्टी है जो संयुक्त प्रत्याशी है, वो विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है, और विकास ये ही जो गठबंधन है, गठबंधन के प्रत्याशी विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, यहाँ और कुछ नहीं है। क्या ये जो आप बता रहे हैं आरएलडी का एक तरफा मतदान किया जा रहा है, तो क्या ये मतदान सिर्फ फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा अचनेरा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ही है, या फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इसी प्रकार का मतदान हो रहा है, क्या इस बारे में क्या कहना है? नहीं, ये आरएलडी के पक्ष में और जो मतदान हो रहा है मुस्लिम क्षेत्रों में, वो स्वयं ही अपने आप ही जागरूक होकर लोग कर रहे हैं, ना कोई दबाव है ना कोई कुछ बात है, स्वयं जागरूक हो रहा है इसलिए कि हमारा उत्तर प्रदेश में विकास हो सके। अच्छा, जैसे कि अभी 5 साल की बात की जाए, वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी सरकार, इस सरकार ने ऐसा मतलब सभी जो योजनाएं चल रही हैं और ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग भी उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, फ्री राशन की बात की जाए, फ्री में वैक्सीन लगी, और प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास योजना थी उसके थ्रू काफ़ी मकान भी बनाए गए, और काफ़ी मुस्लिम महिलाओं से हमने भी बात की कि ये सरकार खासकर सही है, तो मुस्लिम समाज के लोगों का बीजेपी की तरफ रुख क्यों नहीं है? नहीं, हम जो चाहते हैं हमारा संयुक्त आरएलडी की सरकार बने, समाजवादी की सरकार बने, और अपनी योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, हम इतना ही कहेंगे। गवर्नमेंट 1 रुपये का देती है, गवर्नमेंट 1 रुपये का राशन देती है, हमसे 100 रुपये वसूले करे जाते, जूते पे है ना 5% था, 12% वसूला जा रहा, हम तुम्हारे कमाई करें कि तुम्हारे अपने बच्चों को पाले, गवर्नमेंट को ही भरते रहे, हम किसी के दबाव में नहीं है, हम अपनी इच्छा से वोट दे रहे हैं। नहीं, दबाव तो देखिए किसी का नहीं है, लोकतंत्र है, जनता की है ना फैसिलिटी चाहिए, जनता का प्यार चाहिए, कास्टवादी नहीं चाहिए, सुकून शांति चाहिए, अमन चमन चाहिए, हमें और किसी से कोई लाभ नहीं है, हम नेता नहीं है, कोई ऐसे वो नहीं है, हम तुम्हारे उस पार्टी के साथ हैं जो सुकून शांति रखे। तो कौन सी पार्टी में आपको सुकून लगता है, शांति लगती है? हमें है ना अखिलेश की पार्टी में ही सुकून शांति लगता है, और किसी में नहीं लगता। यानी अखिलेश की सरकार आपके लिए बेस्ट है? जातिवादी है ना, कोई है ना कास्ट नहीं फैलाती, वो हमें पार्टी अच्छी लगती है। यानी अखिलेश की जो सरकार है उसमें जातिवाद का कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है।
अच्छा, और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं वो जातिवाद की राजनीति बहलाती है, बुरा बोलती है। तो क्या अखिलेश की सरकार में जातिवाद नहीं चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। क्या यादवों को बढ़ावा नहीं मिलता है? कोई भी कहीं भी रोजगार की बात आती है, सरकारी नौकरियां निकलती हैं, तो क्या वहां पर अधिक मात्रा में यादवों का चयन नहीं होता है? हाँ, मुस्लिम समाज का रुख रहता है, मुस्लिम समाज के शुरू से ही रुख रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन जातिवाद की बात आती है तो समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे आती है, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मत ये आपका कहीं भी दे सकते हैं? वो यादव जी अलग करते होंगे, मुस्लिमों के लिए कोई है ना जातिवाद, मुस्लिम तो खाली वोट डालता है और सबको देता है, और सबको देता है, सबको अपना मानता है, समझ गए नहीं बात को, फिर भी उसको मुस्लिम को प्यार नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, ये जो सरकार है जो फ्री में जो राशन दे रही है, क्या अच्छा कर रही है कि नहीं? नहीं, बुरा कर रही है। नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, इससे है ना तुम्हारे है ना बेकार हो, बिजनेसमैन बेकार हो रहा है, महंगाई देश के अंदर बढ़ रही है, आसमान छू रही है, समझे नहीं, लोग है ना कारोबार बिजनेस नहीं कर पा रहे, जीएसटी का क्या आलम हो गया है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो फ्री में दे और महंगाई बढ़ाए, है ना। क्या कहना भैया, क्या कह रहे थे? 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है और 150 रुपए किलो पेट्रोल है, डीजल महंगा हो गया, ये महंगाई बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि अब कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बने जो महंगाई पर अंकुश लगा सके, आपको क्या लग रहा है? यही बनेगी अखिलेश की, यानी अखिलेश भैया अगर आते हैं, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो महंगाई पर लगाम लगा सकते हैं, आपको विश्वास लगेगी है ना? क्या लग रहा है भैया इस बार, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, मुझे एक बात कहनी है, 403 विधानसभा सीट है पूरे क्षेत्र के अंदर उत्तर प्रदेश में, क्या एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है भाजपा के लिए? बस इतना ही कहना, यानी कि मुस्लिम समाज को भाजपा नहीं चाहती, इसलिए आप नहीं चाहते है ना? सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, एक कैंडिडेट नहीं है पूरी भारतीय जनता पार्टी के बाद मुस्लिम। योगी जी लगातार अपने बयानों के माध्यम से कह रहे हैं कि 5 करोड़ मुस्लिम समुदाय के लोगों को हम योजना का लाभ दिला रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, क्या आपको किसी भी योजना का सच बताना? देखिए, मत आप किसी को भी दीजिए, आप जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो या केंद्र स्तर की हो, दोनों में ही बीजेपी सरकार है, तो क्या आपको बीजेपी सरकार के द्वारा किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वर्तमान में? लाभ तो मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम प्रत्याशी की बात कर रहे हैं बस, मुस्लिम प्रत्याशी की बात है, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं लगता पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षित जो भाजपा का सिंबल पे चुनाव लड़ सके। नहीं देखिए, आपको बताइए कि प्रत्येक पार्टी चुनाव में जब अपने प्रत्याशी घोषित करती है तो वो सक्रिय नेता को ही घोषित करती है, अब जब सक्रिय नेता ही नहीं है मुस्लिम समाज से, तो फिर किन्हें बनाएगी? क्या लग रहा है इस बार? देखिए, इस बार समाजवादी की पार्टी बनने जा रही है, समझ रहे हो, यूपी में, और निश्चित बनेगी। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से मतलब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो गठबंधन प्रत्याशी हैं ब्रजेश चहर मजबूत स्थिति में जीत रहे हैं, बहुत मजबूत, जो उनका 3 बार का हार का सिलसिला है, क्या वो इस बार टूट सकता है? नहीं टूटेगा, मजबूती से, बहुत अच्छी मजबूती से, यानी जीत जाएंगे, जीतेंगे। क्या लग रहा है? ब्रजेश चहर के साथ गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार, गठबंधन की। क्या लग रहा है भैया? वन साइड है ब्रजेश चहर। क्या लग रहा है? गठबंधन। तो देखिए, मुस्लिम समाज के लोगों से हमने बात की और यहाँ लगभग 3-4 बूथ हैं, और यहाँ पर बताया कि हमारे बूथ पर एक तरफा जो आरएलडी और सपा प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं ब्रजेश चहर के पक्ष में, यहाँ पर बाहरी तादाद में मतदान किया जा रहा है, और अभी यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश की कि आरएलडी के प्रत्याशी को क्यों जिताना चाहते हैं, सारी बातें उन्होंने बताई। ऐसे ही और बातें जानने के लिए हम किसी दूसरे बूथ पर जाएंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी शैलेश जी के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।